मोदी के सुनामी ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए जब तब करने वाले बाबाओं को भी बहा दिया। जो कंप्यूटर बाबा दिग्विजय सिंह को दिग्विजय बनाने के लिए हजारों संतों के साथ धूनी रमाते हट योग करते रहे, अब दिग्विजय सिंह की हार के बाद यही कंप्यूटर बाबा अब जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई देने लगे हैं। कह रहे हैं कि संत समाज ने निष्ठा से काम किया, लेकिन दिग्विजय सिंह क्यों हारे ये राजनीतिक विषय है। जनता का जनादेश लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है और देश की जनता ने जनादेश माननीय मोदी जी को दिया है, तो हम भी मोदी जी को बधाई देते हैं और पूरा संत समाज उनको बधाई देता है। और इस आशा से कि जनता का काम जो है, जिस भरोसे से मोदी जी को जिताया है और मोदी पे भरोसा जताया है, उस पर खड़े उतरे। और संत समाज का यही कहना पुनः है, हम संत समाज का, कि माननीय मोदी जी आप चूंकि पूर्ण बहुमत आ गया है तो आप राम मंदिर बनाएं, गंगा साफ करें और ऐसे धार्मिक काम करें जिससे संत समाज आपके साथ खड़ा रहे। तो फिर दिग्विजय सिंह के लिए एक और बाबा वैराग्यनंद गिरी ने समर्थन में उतार कर भोपाल में मिर्च यज्ञ किया था। अति उत्साह में यह तक भविष्यवाणी कर दी थी कि दिग्विजय सिंह अगर हार गए तो वो समाधि ले लेंगे। दिग्विजय सिंह सम्माननीय जिनके लिए लोग कह रहे हैं वो हिंदुत्व की छवि वाले नहीं है, ये छवि वाले नहीं है, तो भारत के संत उनके साथ हैं। और छोटी सी बात कह देता हूँ, 5 तारीख को माँ कामाख्या का प्रचंड यज्ञ, 5 क्विंटल मिर्ची यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें लाल मिर्ची पूरी रहेगी और कोई धस नहीं रहेगी। मैं दावा करता हूं उसमें सम्माननीय दिग्विजय सिंह की जीत होगी और किसी कारणवश नहीं होती है तो मैं महामंडलेश्वर वहीं उसी जगह जिंदा समाधि ले लूंगा, ये मेरा प्रण है। हालांकि दिग्विजय सिंह की हार के बाद वैराग्यनंद गिरी ने समाधि तो नहीं ली लेकिन गायब जरूर हो गए। ऐसे में चौतरफा वैराग्यनंद गिरी के जरिए अपने निरंजन अखाड़े की खिल्ली उड़ाते देख महामंडलेश्वर वैराग्यनंद गिरी को शुक्रवार को निरंजनी अखाड़ा ने पद से निष्कासित कर दिया। वैराग्यनंद गिरी जी जो भोपाल में निवास करते हैं उनको अखाड़े से निष्कासित किया गया है, अब उनका अखाड़े से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल बड़बोले बाबाओं के दिग्विजय सिंह की हार के बाद बदलते सुरों ने ये तो साबित कर दिया है बाबा गिरी और सियासत दोनों अलग अलग है, और ऐसे बाबाओं को सीख दे दी है कि संतों को राजनीति में दखल देने का फल हार के बाद कैसे कड़वा पड़ता है।